कांग्रेस पार्टी की राष्ट्रीय प्रवक्ता और छत्तीसगढ़ मीडिया प्रभारी राधिका खेड़ा ने दुर्ग में पत्रकार वार्ता लेकर केंद्र की मोदी सरकार सहित प्रदेश की भाजपा सरकार पर जमकर हमला बोला। लोकसभा चुनाव की सरगर्मी बढ़ने के साथ ही दोनों ही बड़ी पार्टियों के दिग्गज नेता उनके प्रवक्ताओं द्वारा अपने अपने पार्टी के हित में बातें कर अपनी राग अलाप रहे हैं। इसी कड़ी में गुरुवार को दुर्ग के राजीव भवन में कांग्रेस कमेटी की छत्तीसगढ़ अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की प्रवक्ता राधिका खेड़ा ने पत्रकार वार्ता लेकर भाजपा पर जमकर निशाना साधा। आज मुझे बहुत सौभाग्य महसूस हो रहा है कि मुझे यहाँ की पावन धरा में आने का मौका मिला है, जहाँ पे हमने सिर्फ बड़े बड़े नेता ही नहीं, अगर आप भीषण चुनाव इसलिए कहूंगी क्योंकि ये अस्तित्व की लड़ाई है, संविधान को बचाने की लड़ाई है। एक तरफ वो लोग हैं जो संविधान को खत्म करना चाह रहे हैं, संविधान को मारना चाह रहे हैं, इस दौरान उन्होंने कांग्रेस पार्टी और भाजपा के संकल्प पत्र पर प्रकाश डालते हुए कहा कि भाजपा का संकल्प पत्र में मोदी जी की 48 फोटो लगाने के साथ काम की बात कहीं नजर नहीं आई और हमारे कांग्रेस के पत्र में मात्र 3 फोटो ही लगाई गई है। ऐसा नहीं है कि एक फोटो की कमी थी, मगर हमने काम को ज्यादा प्राथमिकता दी है। साथ ही रामनवमी के अवसर पर भाजपा सरकार द्वारा भारत की राष्ट्रपति जो आदिवासी समाज से आती है उन्हें भी उस अवसर पर भी नहीं बुलाया जाने का आरोप लगाया। मोदी मीडिया कहा जाता है, जिसकी वजह से सभी मीडिया वालों को सवाल उठता है, वो सिर्फ वहीं का वहीं रह जाएगा। मौत से मोदी जी है, वो चाहते हैं कि फिर से मौत से कौन सबको कर दे, सब कुछ जनता के हक का पैसा उद्योगपतियों के पास जाएगा और जनता से आंदोलन करने का सवाल पूछने का भी हक चाहिए। और संविधान से आम जनता को फर्क खत्म होने से सिर्फ आम जनता परेशान नहीं होगी, संविधान हमारे देश की मीडिया को भी हक देता है कि वो भेदभाव होके किसी से। इसके साथ ही भाजपा सरकार पर लगातार जनता से किए वादों को गिनाते अपनी सरकार बन जाने पर युवाओं और महिलाओं को 1 साल में 1 लाख दिया जाने का वादा किया और साथ हमारे देश का संविधान बचाने की बात कही। इस संबंध में उन्होंने मीडिया के समक्ष प्रतिक्रिया दी। देखिए, ये तो आपने स्वयं बोल दिया, ईडी आईटी क्या है ना, बहुत देश आज स्थिति से गुजर रहा है कि जैसा मैंने कहा, मोदी सरकार के पास अपने काम के बारे में बात करने को कुछ नहीं है, नौकरियों के बारे नहीं करेंगे, महंगाई के बारे में, किसी भी चीज़ के बारे में एक उपलब्धि मोदी जी नहीं गिनवा सकते, तो वो ईडी आईटी सीबीआई को आगे कर देते। ईडी तो उनका इलेक्शन डिपार्टमेंट है, उनका काम है डराओ धमकाओ इल्ज़ाम लगाओ बदनाम करो और फिर उस डर से, बदनामी के डर से या बदनाम होके कोई डर जाए तो उनके वॉशिंग पाउडर उनकी मशीन में आकर ढूंढे। आपको याद होगा कि आप सब जानते हैं कि बल्ब जैसे थॉमस एडिसन ने इन्वेंट किया, प्लेन राइट ब्रदर्स ने इन्वेंट किया, वैसे ही मोदी जी ने एक वॉशिंग मशीन इन्वेंट करी है और वो वॉशिंग मशीन के अंदर मोदी डिटर्जेंट जाता है, उसमें नेता धुल जाता है और उसके सारे पाप धुल जाते हैं, सारा उसका भ्रष्टाचार धुल जाता है। आपने देखा था हेमंत बिस्व शर्मा जिसके खिलाफ 30 पेज की बुकलेट निकाली थी, अजीत पवार जिसको एक दिन पहले उनके पूर्व मुख्यमंत्री और आज उप मुख्यमंत्री कहते थे कि मैं चक्की पीसिंग एंड पीसिंग कराऊंगा, आज वो मोदी जी के सबसे क्लोज हैं, छगन भुजबल जिसके ऊपर केस थे, प्रफुल्ल पटेल जिसके ऊपर सीबीआई ने उसकी प्रॉपर्टी तक सील कर दी थी, आज सब कुछ हटा लिया गया है। यहाँ के भी कई लोग जा रहे हैं इसी डर से, क्योंकि आप इल्ज़ाम लगा देते हैं और जो नहीं जाता है, जिसने गलती नहीं करी है, जिसने कोई भ्रष्टाचार नहीं किया है और जो डरता नहीं है, और कांग्रेस पार्टी को उन्हीं लोगों की ज़रूरत है जो डरते नहीं है, जो डरते हैं, जो डरपोक हैं, वो मोदी जी को मुबारक, पर जो डरते नहीं है और निडरता से इस देश की सेवा करेंगे और इस देश को आगे ले जाने का काम करेंगे वो कांग्रेस में रहेंगे और अपनी विचारधारा के साथ जुड़े रहेंगे। ये तो होता नहीं ना कि कोई प्रधानमंत्री होता है तो ज़रूरी है उनके घर में प्रधानमंत्री हो, अब मोदी जी का भी परिवार है, हर चीज़ें सबके होते हैं, ये बोलना जब एक अगर कोई एक आगे निकल गया किसी भी जाति में, किसी भी धर्म का, माइनॉरिटी का कोई भी आगे निकलता है, तो क्या उनके बाकी परिवार को हक नहीं होता कि वो आगे बढ़े? अगर आज सपोजिंग फॉर एग्जांपल मैं आपकी बात कर लेते हैं, कोई भी, मुझे नहीं पता आपकी धर्म जाति क्या है, मेरे लिए आप एक हिंदुस्तानी हैं, किसी भी जाति का कोई भी हो, चाहे ओबीसी हो, एसटी हो या आदिवासी हो, अगर वो आदिवासी आरक्षण का फ़ायदा लेके आगे बढ़ गया है तो क्या बस आगे बढ़ना उसी तक सीमित रहना चाहिए, उसके परिवार के बच्चों को, ताकि वो भी वापस पीछे चले जाए? हमारा ये एम है कि सब
सबको जिनको जैसे इसलिए जातिगत जनगणना करने की जरूरत है, हर तरीके की जनगणना, जिसकी जितनी आबादी उसका उतना हक। अगर एक पर्टिकुलर समुदाय के लोग आगे बढ़ चुके हैं तो जाहिर सी बात है उधर का कोई भी, मैं किसी पर्टिकुलर जाति की बात नहीं कर रही, किसी एक धर्म की नहीं, पर जिनकी आबादी जितनी है और उनके यहाँ पे कितना बढ़े नहीं आगे, तो उनको आगे ले जाने पहले हमें पहले इस चीज़ को सॉल्व करने की जरूरत है। जितनी हमारी पॉपुलेशन है आज भी, अगर आप कहते हैं ना कि कोई आगे बढ़ चुका है, देश की स्थिति ये नहीं है, अमीर आदमी भी आज मिडिल अपर मिडिल क्लास भी लोअर मिडिल क्लास में आ चुका है। तो ये हालात देश की अनप्लान्ड नोटबंदी अनप्लान्ड GST की वजह से हुए हैं, क्योंकि जब एक इंसान बिना लोगों को बात करे, उन्होंने GST को लेकर जो लोग हैं व्यापारी हैं उनसे कोई चर्चा नहीं करी, नोटबंदी के लिए आम जनता से चर्चा नहीं करी, 3 किसान काले कानूनन के लिए आम जनता से चर्चा नहीं करी। जब तक आप विपक्ष और जनता को चर्चा लेकर नहीं करेंगे, समस्याएं नहीं लाएंगे। आप लाइए कानून, कोई नहीं कहता, करने की जरूरत है। जब तक जनगणना नहीं होगी ये नहीं पता चलेगा कितने गरीब है, कितने अमीर है, कितने मिडिल क्लास है। अब देखिए, जब कांग्रेस की सरकार थी जो मिडिल क्लास उस समय था, आज वो लोअर मिडिल क्लास हो गया है। मोदी जी यहीं पे छत्तीसगढ़ की सरजमीन पे कुछ दिन पहले आके गए, भाई और बहनों मैं 80 करोड़ लोगों को मुफ्त राशन देता हूँ। शर्म की बात है कि एक देश का प्रधानमंत्री अपनी सभा में जब वोट मांगने आया है ये बोल रहा है कि मैं मुफ्त राशन देता हूँ। आपको ये बोलना चाहिए था कि 80 करोड़ लोगों को मैंने रोजगार दिया, सशक्त बनाया, कि उनको मुफ्त के राशन की जरूरत ही नहीं पड़ी। मुफ्त के राशन की तब जरूरत पड़ती है जब महंगाई अपरंपार होती है और रोजगार नहीं होता। उन्होंने आज खुद स्टैंप लगा लिया इस बात पर कि आज देश बेरोजगारी से जूझ रहा है, क्योंकि अगर रोजगार होता तो कोई भी मुफ्त का राशन लेने के लिए खड़ा नहीं होता, क्योंकि कोई नहीं चाहता, क्योंकि गरीब से गरीब आदमी भी हो उसका स्वाभिमान कभी भी ये नहीं कहेगा कि वो मुफ्त का राशन लेकर आए, क्योंकि हमारे यहाँ एक कहावत है मुफ्त की रोटी तोड़ना, और कभी भी कोई नहीं चाहता। सशक्त बनाइए अपने देश को कि किसी को भी, एक इंसान को भी मुफ्त का राशन ना देना पड़े और वो डंके की चोट पे कह दे हाँ मैं भारत में रहता हूँ और मेरे को मुफ्त का राशन की जरूरत नहीं है, मेरे पास नौकरी है, रोजगार है, महंगाई नहीं है, तो इसकी बात करें ना, तो उसके लिए लेकिन हमें जनगणना करने की। ये समस्या है, ये चुनाव किसी के हार और जीत का नहीं है, ये चुनाव संविधान को बचाने की लड़ाई का है। पूरा इंडिया गठबंधन एकजुट होकर देश का संविधान बचाने की लड़ाई लड़ रहा है, और देश का संविधान इसीलिए बचाने की ज़रूरत है क्योंकि मोदी सरकार संविधान नष्ट खत्म करते ही सबसे पहला काम आरक्षण खत्म करने का करेगी। आरक्षण इसलिए खत्म करेगी क्योंकि SC ST OBC से उनको कोई मतलब नहीं है, उनको सिर्फ एक आदमी से मतलब है, अदानी और उनके साथ अंबानी। दूसरी चीज़, वो चाहते हैं कि पूरे देश का निजीकरण हो जाए। सबसे बेहतरीन एग्जाम्पल अगर हम इसका दें तो आपका खुद का भिलाई स्टील प्लांट है, जिसको बार बार निजीकरण वो करना चाह रहे हैं, और उनका एक लक्ष्य छत्तीसगढ़ चुनाव जीतना ये नहीं था कि हम छत्तीसगढ़ की जनता की सेवा करें, पर वो ये चाहते थे कि जिस तरीके से नगरनार प्लांट का निजीकरण किया जा रहा है उसी तरीके से भिलाई स्टील प्लांट को भी अडानी को बेच दिया जाए। तो ये चीज़ वो संविधान में संशोधन लाना चाहते हैं ताकि ना आप सवाल उठा सके। जो सरकार आज संविधान के होते हुए, जब संविधान हमें ये हक देता है कि हम आंदोलन कर सके, अपनी आवाज़ उठा सके, आंदोलन को दबाने के लिए शहनशाह हमारे तानाशाही कर रहे हैं, डरा रहे हैं, केस कर रहे हैं, लोगों को कह रहे हैं अगर आप आंदोलन करोगे तो मैं सरकारी नौकरी नहीं मिलेगी, अपनी आवाज़ उठाओगे तो तुम बाहर नहीं जा पाओगे, 800 से अधिक किसान शहीद हो गए, उन पे ड्रोन से हमले किए जा रहे हैं, बेटियों पे, खिलाड़ियों पे लाठी चलाई जा रही है। तो वो चाहती है कि संविधान नष्ट हो जाए, ख़त्म हो जाए, ताकि आप आंदोलन भी ना कर सके। वो चाहती है जो मीडिया आज आप जो मुझसे सवाल पूछ रहे हैं, कल को किसी से भी सवाल ना पूछ सके। वो चाहते हैं कि उनकी 400 सीटें आ जाए ताकि मीडिया से भी सवाल पूछने का हक चला जाए, ताकि देश की जनता ये ना जान सके कि मोदी जी जैसे भिलाई स्टील प्लांट का निजीकरण करना चाह रहे हैं, नगरनार का निजीकरण कर रहे हैं, किस तरीके से देश को अडानी को बेच रहे हैं, ये जनता तक ना पहुंचे। ACC बिक चुका है, ये जनता तक ना पहुंचे। ये तो मैं धन्यवाद देती हूँ आप जैसी मीडिया का जो हर चीज़ जनता तक पहुँचाने का काम करते हैं और हमारे तानाशाह का चेहरा जनता तक पहुँचाने का काम करते हैं। मैंने जैसा आपको कहा 400 पार वो बोल रहे हैं और वो 150 पे भी नहीं पहुंचेंगे। हम बस एक बात बोलते हैं कि हम देश के लिए न्याय की लड़ाई लड़ रहे हैं, संविधान को बचाने की लड़ाई लड़ रहे हैं। हम इतनी सीटें लेकर आएंगे कि देश को एक सशक्त सरकार देंगे, एक स्टेबल सरकार देंगे, और ताकि एक कोई भी देश के संविधान पे हमला ना कर सके, देश की महिलाओं पे हमला ना कर सके, किसान पे हमला ना कर सके, युवा हमारा 22 साल पे रिटायर होकर बेरोजगार ना हो, किसान हमारा खुशहाल हो, उस पर हमले करे ना जाए, उनकी शहादत ना हो, बेटियां खिलाड़ी हमारा विश्व भर में जाके नाम का डंका करे, उन पर लाठियां ना चलाई जाए, और सबको महंगाई से
राहत मिले, रोजगार मिले, तो उसके लिए जितनी सीटें चाहिए। मैं कभी ऐसे वादे नहीं करती कि ये पार कर देंगे, वो पार कर देंगे। हम वो करेंगे कि जनता की सेवा हो सके और बिना किसी रुकावट, बिना किसी बाधा के। और हाँ, जब हमारी सरकार बनेगी, हम ऑपोजिशन की आवाज़ दबाने का काम नहीं करेंगे, उनको लोकसभा से बाहर निकालने का काम नहीं करेंगे, सबसे डिस्कस करके हर चीज़ को साथ लेकर चलेंगे। ACN न्यूज़ के लिए दुर्ग से नसीम फारूकी की रिपोर्ट।